रास्ते के विवाद को लेकर जमकर चले लाठी डंडे, तीन पर चाकू से हमला। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिकवार गांव में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट की वजह रास्ता का विवाद बताया जाता है। मारपीट घटना में पति पत्नी के साथ एक अन्य घायल हुआ है। विवाद में जमकर लाठी डंडे व चाकू चले हैं, जिसका वीडियो भी पीड़ित पक्ष ने बनाया है। घायलों में प्रकाश कुमार वर्मा पिता हीरा मणि वर्मा उम्र 35 साल और उनकी पत्नी शशिकला वर्मा उम्र 32 साल है। बताया जाता है कि मारपीट करने वालों ने पहले शशिकला पर हमला किया, जब वह लहूलुहान होकर घायल हो गई, जिसकी चीख पुकार सुनकर पति पहुंचा तो उस पर भी चाकुओं से हमला कर दिया। दोनों को तड़पता देख चचेरा भाई पहुंचा तो उस पर भी हमला कर दिया। फिलहाल सभी घायलों को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस से हनुमना के पंकज वर्मा द्वारा संजय गांधी अस्पताल भर्ती कराया गया है। घायलों ने बताया कि मारपीट करने वालों में नेता समदड़िया किशन दुबे, लाल दुबे, संदीप दुबे शामिल है। घायल के भाई ने बताया कि घर के सामने आकर आरोपियों ने चाकू मार दिया। घायलों में दो भाई और पत्नी शामिल है। घायल के भाई ने बताया कि जब वह थाना पहुंचे तो पहले से आरोपी थाने में थे, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पूरी घटना रात्रि के 9 बजे की बताई जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं घायलों ने पूरी घटना को लेकर क्या कहा है। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। कल रात करीब 9 बजे मनिकवार क्रमांक 2 में मोढ़ा और द्विवेदी लोगों के बीच में विवाद हुआ है। द्विवेदी की वहाँ ज़मीन है और मोढ़ा लोग उस ज़मीन से आते जाते हैं, उसी आने जाने के विवाद को लेकर के कल झगड़े हुए हैं, जिसमें मोढ़ा लोगों को चोटें आई हैं। उसमें राजकुमार द्विवेदी और अन्य 5 लोगों के खिलाफ जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसमें बाकी को साधारण चोट है। 3 लोगों को चाकू लगने की जानकारी बताई गई है, जिनका उपचार जो है जिला अस्पताल में चल रहा है। इनकी हालत कैसी है सर? जो 3 लोग अब उपचार चल रहा है वहाँ, स्थिति ठीक है। सर आरोपी गिरफ्तार अभी तो प्रकरण मौके पर पंजीबद्ध किया गया है, देहाती नालसी ली गई है। कल रात की घटना है, जानकारी होने पर पुलिस जो है तत्काल मौके भी पहुँची है और उनको घायलों को यहाँ लेके आई थी। प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, आरोपियों को भी जल्दी ही अभिरक्षा में लिया जाएगा। चुनाव नजदीक है सर, गश्त हो रहे हैं, तमाम पुलिस बैक्शन मोड पे आ रही है। रोड पर ये पूरा विवाद चल रहा था, तो क्या कुछ जानकारी नहीं मिली पुलिस? अब एक ही समय में पुलिस हर जगह उपस्थित नहीं हो सकती और ये जमीन संबंधी विवाद है और ये विवाद कब ऐसा रूप ले ले इसकी संभावना नहीं रहती। जहाँ पुलिस को संभावना नज़र में आती है वहाँ इसके अलावा भी कई कार्रवाइयाँ हुई हैं। अभी हम 7,000 के आसपास जो है प्रतिबंधक कार्रवाई किए हैं, बाउंड ओवर कराया है, कई जो है वारंटियों को बंद किया है। जो पेशेवर अपराधी हैं उनके खिलाफ जो है पुलिस ने कार्रवाई की है और ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। क्या नाम है आपका? अजय कुमार वर्मा। कहाँ से हैं? ग्राम मनकवार पोस्ट द्वारा जिला रीवा मतपर। क्या घटना क्या हुई? मैं घटना ये, मेरे भाई लोग थे घर के बाहर बैठे थे, भाभी मेरी वहीं पे बैठी थी, हम लोग खाना खा के अंदर बैठे थे। जब बाहर निकले तो ये चाकू मार दिए इनको, पहले वो भाभी को मारे चाकू, फिर इसके बाद वो भाई गए उसको भी मार दे चाकू, फिर चाचा का लड़का चाचा गए वो चाचा को भी चाकू मारे। वो 3 लोग थे, वो चाकू लिए थे तीनों। कौन लोग थे जानते हैं? हाँ जानते हैं उनको। क्या नाम है? उनका एक का नाम नेता समदरिया, उनका दूसरा नाम भी है, उस गांव में नेता संदरिया बोलते हैं, और किशन दुबे चाकू लिया था, वही मारा है। किशन दुबे था और लाला दुबे और संजीव दुबे। क्या घटना का कारण क्या है? घटना का कारण है ये लोग कहीं बैठे थे उधर घर के साइड में, सामने घर में ही ये आके मारे हैं चाकू। घर में बैठा था, सामने हमारा भाई बैठा था कुर्सी लगा के, तो कुछ बातचीत हुई, इसके बाद वो चाकू लिया था। वो चाकू पहले से उसकी तैयारी थी चाकू मारने, उसका घर मेरे घर से दूर पड़ता है। वो लोग आए थे, वो घर में आके चाकू मारे हैं और मेरे पास वीडियो भी है। थाने में गए, वो रिपोर्ट नहीं लिख रहे, वो लोग वहाँ थाने में बैठे हैं अभी फिलहाल में भी बैठे हैं, मनगवा थाना, और रिपोर्ट नहीं लिख रहे। वो लोग ये बोल रहे हैं कि जाओ वहाँ, पहले वो दवाई करवाओ, इसके बाद जो होगा। घायल वो धमकी भी दिए हैं। घायल कौन है? मेरा भाई है प्रकाश मणि वर्मा और मेरी भाभी है वो साहस कली वर्मा।
सब मेरे घर के हैं, मनगमा थाना ग्राम मन के बाद पोस्ट द्वारा। कितने बजे घटना है ये? अभी जस्ट 9:30 बजे, 9 बजे समथिंग की घटना। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।